दोस्तों, अगर आप रनिंग की तैयारी करते हो और आपके छोटे कदम चल रहे हैं, आप लंबा कदम चाहते हो, स्ट्राइड लेंथ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे आप 100 मीटर करते हो, चाहे 200 मीटर करते हो, चाहे 400 मीटर करते हो, चाहे आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, चाहे आप कोई सी भी रनिंग की तैयारी करते हो, चाहे आपका कोई सा भी फिजिकल है, आपको मैं बता दूँ, आज आपको इस वीडियो में बेस्ट टिप्स और बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। टिप्स नंबर एक, दोस्तों आपको बता दूं, जब हम रनिंग करते हैं, नॉर्मल रनिंग करके निकल जाते हैं, चाहे पंजों पे करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी। अगर आपको लॉन्ग स्टेप पे फोकस करना है, चाहे आपकी स्पीड पे फोकस करना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस ग्राउंड पे आप भागते हो, चाहे वो मिट्टी का है, उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया वो मिट्टी का है, तो मिट्टी का जो ग्राउंड है वो हमें पंजों के थ्रू आगे पुश करना है। अगर हम बॉडी को आगे पुश करते हैं, मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो हमारे स्ट्राइड लेंथ में इंप्रूवमेंट आने लगेगा और हमारे स्पीड में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। टिप्स नंबर दो, दोस्तों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप रनिंग करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि हम अपने पैर को पूरे अच्छे पोजिशन में नहीं उठाते, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप रनिंग करते हो चाहे थोड़ा वर्कआउट करते हो, तो आपका जो घुटना है वो ऊपर तक उठना चाहिए। अगर आप ऊपर तक घुमा के घुटने को लाते हो, तो आपके स्ट्राइड लेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा और आपके स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टिप्स नंबर तीन, हडल रनिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा रनिंग करते समय जिसको नॉलेज नहीं होता वो क्या कहता है लास्ट में, लंबा लंबा पैर कर, लंबा लंबा पैर कर। दोस्तों अगर आप जानबूझ के लंबा लंबा पैर करते हो तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको हडल लेना है, हडल लगाना है, पहले नापा 4 कदम, 1 2 3 4 कदम, फिर उस पर रनिंग कर ली, आराम से होता है, फिर 5 कदम नापो, 5 कदम नापा, 1 2 3 4 5, फिर रनिंग करी, फिर 6 कदम, फिर रनिंग करी। अगर दोस्तों आप हडल पे ऐसे रनिंग करते हो तो आपका 100% स्ट्राइड लेंथ में लॉन्ग स्टेप बहुत अच्छा आने लग जाएगा। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो, वीक में 1 से 2 दिन आप कर सकते हो। टिप्स नंबर चार, दोस्तों अगर आप नॉर्मल जगह रनिंग करते हो या वर्कआउट करते हो तो आपका स्ट्राइड लेंथ में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन अगर आप वीक में 3 से 4 दिन डाउन हिल अगर ऐड करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइड लेंथ में इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको डाउन हिल करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, याद रखना है कि 1 महीना आपको कम से कम वर्कआउट नॉर्मल ग्राउंड पे करना है, तभी आपको डाउन हिल पर आना है। जिसका कॉम्पिटिशन नज़दीक है या किसी का भर्ती नज़दीक है या फिजिकल नज़दीक है, तब आप डाउन हिल कर सकते हो लास्ट के 1 महीने के अंदर अंदर। डाउन हिल कैसे करना है, आपको सबसे पहले चढ़ाई पर चढ़ जाना है, फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 80 से 100 मीटर के आसपास आपके पास डाउनहिल होना चाहिए, फिर आपको ऊपर से नीचे भागना है। याद रखना कि आपको पूरी स्पीड में नहीं भागना, 100% स्पीड में नहीं भागना, अपने बॉडी का कम से कम 70% स्पीड ही लगाना। अगर आप डाउन हिल से आते हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बनने लगेगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, डाउन हिल करते समय आपका घुटना उठ उठ के आना चाहिए, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा स्पीड में भी और आपके स्ट्राइड लेंथ में भी। और दोस्तों ये आपको कितना करना है, अगर आप 2 से 3 वीक करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिशन नज़दीक है तब आपको ये करना है, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी आ जाएगी और आपका लॉन्ग स्टेप भी होना स्टार्ट हो जाएगा। 100 100 मीटर की आप 6 कर सकते हो, पहले डाउन गए फिर आराम से चढ़ गए, फिर डाउन आ गए फिर आराम से चढ़ गए, ऐसे करके आप 6 से 8 कर सकते हो। टिप्स नंबर 5, दोस्तों अगर आप अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ऐड कर देते हो तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी सारी मसल खिंचती है और स्ट्रेच अच्छे से होती है। तो आप ट्राई करो कि 30 से 40 मिनट आप वर्कआउट के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपको होल्डिंग ज़्यादा करनी है, कम से कम 20 से 30 30 सेकंड तक आप होल्डिंग करो और फिर एक्सरसाइज चेंज करो, इससे आपका स्ट्राइड लेंथ में और नेक्स्ट डे वर्कआउट के लिए रेडी हो सको उसमें इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगा। दोस्तों अब मैं आपको 8 बेस्ट ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आपका लॉन्ग स्टेप तो आएगा ही आएगा, साथ में स्पीड और पावर भी आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता दूँ, जो भाई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, चाहे 1600 मीटर की तैयारी कर रहा है, चाहे लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा है, चाहे 5 किलोमीटर की कर रहा है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की फिजिकल की तैयारी कर रहा है,
वो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है मात्र 99 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा फुल डिटेल के साथ, और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है कमेंट, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 दोस्तों, हाई नी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट होता है और स्ट्राइड लेंथ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि घुटने आपके उठ के चलते हैं तो स्ट्राइड लेंथ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हाई नी आपको क्या करना है, आपकी कमर सीधी रहेगी और आपका कम से कम 90 डिग्री के आसपास आपका नी घुटना उठना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2 साइकिलिंग फुल हाई नी। दोस्तों जैसा कि आप हाई नी करते हो, इसमें आपका घुटना और ऊपर उठ के साइकिलिंग टाइप से चलना चाहिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इससे क्या है, आपके पैर पूरे खुल खुल के आएंगे। ये भी आप 30-30 मीटर के या एक ही जगह पे खड़े होकर 30-30 सेकंड कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3 मिनी क्रॉस लेग जंप। जंप करते समय दोस्तों आपको घुटना जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा रखना है, और आपका पैर जितना खुल सकता है उतना आपको खोलना है। ये आपको 20 जंप के 3-3 सेट आप कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 4 क्रॉस लेग जंप। दोस्तों जंप करते समय आपको ट्राई करना है कि आपके दोनों पैर हल्का बैंड हो, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना, अगर आप बिगिनर से ऊपर हो चुके हो तो आप ट्राई कर सकते हो ये एक्सरसाइज। आपको 20-20 जंप के 3 सेट करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 लैंजिंग जंप। जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है, आप सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना है। आपको जो पीछे वाला पैर है इसमें आप घुटना फोल्ड भी कर सकते हो और कंटिन्यू आपको जंप करना है। ये 20-20 जंप के आप 3 सेट कर सकते हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा रनिंग स्पीड में और रनिंग पावर में और आपके स्ट्राइड लेंथ में। एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार जंप। जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको ट्राई करना है कि जंप लेके पैर और हाथ जितना खुल सकता है उतना आपको खोलना है। इससे आपका क्या है, जो मसल है वो स्ट्रेच होगी, इससे आपका रनिंग में पावर भी बनेगा और आपके जो लंबे लंबे स्टेप है वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको 20-20 जंप के 3 सेट कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 7 सी स्किप। जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है, इसमें आपको ट्राई करना है कि बॉडी आपकी सीधी रहनी चाहिए और आपका पैर जितना ऊपर जा सकता है आपका जाना चाहिए और आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। ये आप 30 मीटर के 3 सेट कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 8 लैंजिंग लेग लिफ्ट। इसमें दोस्तों आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ समझ लो। जैसा लैंजिंग की पोजीशन होती है, आपको पहले उस पर आना है, फिर एक पैर पे खड़े होकर दूसरा पैर उठा के आपको टच करना है, फिर अप करना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। दोनों लेग से आपको करना है। इसके 20-20 सेट आप कर सकते हो, 3 सेट, और ये आपको वीक में हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हो। इससे आपका स्पीड में भी बेनिफिट होगा, लॉन्ग स्टेप में भी बेनिफिट होगा और पावर में बेनिफिट होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आप समझ लो, जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई, जितनी भी आपको मैंने एक्सरसाइज बताई, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वर्कआउट है प्रॉपर शेड्यूल है, अगर आप उसके हिसाब से कंटिन्यू रोज फॉलो करते हो और ये एक्सरसाइज ऐड करते हो, ये टिप्स ऐड करते हो, तो मैं आपका इतना क्लियर कर सकता हूँ, आपका लॉन्ग स्टेप भी आएगा, आपका स्पीड भी अच्छा आएगा और आपकी अच्छी पावर भी आएगी। और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 100 मीटर की, चाहे 200 मीटर की, चाहे 1600 मीटर की, चाहे 5 किलोमीटर की, उसमें आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी खासी टूटेगी।